मुंबई से सटे अंबरनाथ में शिंदे गुट के शहर प्रमुख अरविंद वालेकर द्वारा नई हनुमान मंदिर का निर्माण कर बजरंगबली की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। आपको बता दें कि अंबरनाथ शहर ऐतिहासिक और प्राचीन शिव मंदिर का शहर है। अरविंद वालेकर, उनकी पत्नी मनीषा वालेकर और पूर्व नगर सेवक राजेंद्र वालेकर आदि वालेकर परिवार के सदस्यों ने हिंदू मंदिरों के जीर्णोद्धार का दृढ़ संकल्प लिया है और उसी के तहत अमरनाथ में हर साल इसी तरह नई मंदिर बनाने की पहल की है। यही कारण है कि अमरनाथ पश्चिम के मेठल नगर में नई हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। बजरंगबली की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई और बड़ी धूमधाम के साथ कलश यात्रा निकाली गई। इस मौके पर अमरनाथ के सैकड़ों श्रद्धालु इस भक्तिमय कार्यक्रम में शामिल हुए। कलश यात्रा निकाले गई है, कितने लोग सहभागी हुए थे, कहाँ से ये कलश यात्रा में कम से कम हजारों के संख्या में लोग शामिल हुए थे। अरविंद वालेकर साहब इनके निवास स्थान से ये यात्रा शुरू हुई और ये परिसर के काफी महिलाएं, भाई बहने, छोटे बच्चे सभी इस यात्रा में शामिल हुए। हर साल अपने अंबरनाथ शहर में कम से कम 20 साल से एक ना एक मंदिर का निर्माण करना, उसका जीर्णोद्धार करना, ये संकल्पना माननीय अरविंद वालेकर साहब और उनके छोटे भाई राजू वालेकर जी, इनके माध्यम से ये परिसर में हो रहा है और यहाँ के सभी नागरिक बड़ी भारी संख्या में यहाँ उपस्थित होते हैं, शामिल होते हैं। सभी के सहयोग से ही ये प्रोग्राम यहाँ होता है। कल सुबह से यहाँ पूजा पाठ विधि होगा, हनुमान जी की स्थापना होगी और बाद में महाप्रसाद का आयोजन भी यहाँ पर किया। महाराष्ट्र आमचे जे आधारस्तंभ आहेत, जे प्रेरणास्थान आहे आणि पूर्ण देव माणूस म्हणायला हरकत नाही, आम्ही त्यांना आमच्या देवालयात बसवतो आणि एक देवाप्रमाणे त्यांना पूजन केलं जातं। ते जेव्हा येतात तेव्हा असं वाटतं की आम्ही देवाचं स्वागत करतो आहे की काय। इतके लहान मुलांपासून मोठ्या माणसांपर्यंत स्त्रिया, आजी, आजोबा सगळ्यांना इतका मोठा उत्साह असतो की त्यांच्या येण्यांना एक, जसं की आपण शिवाजी महाराजांच्या कथा ऐकल्यात। मुंबईचे टीव्ही 24 के लिए सुनील शर्मा की रिपोर्ट।